हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कहानी हम सभी के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। कहानी छोटी हो या बड़ी अपनी छाप छोड़ जाती है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी ने मुझे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अगर हम उससे सारांश के तौर पे उस कहानी के बारे में कहें तो जब हमारे पास सब कुछ होता है तो फिर हम बहुत कीमती चीज़ खो देते हैं, और जब हमारे पास बहुत कीमती चीज़ होती है तो शायद हमारे पास कुछ नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दुनिया में बहुत आगे आना चाहता था। उस लड़के की कहानी है जिसके ऊंचे सपने थे, बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरना चाहता था। घर में पेरेंट्स के अलावा एक भाई और एक बहन थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता चौकीदारी का काम करते थे, 5,000 रुपये बमुश्किल मिलता था। घर का गुजारा किसी तरीके से होता था। पास के स्कूल वालों से जान पहचान थी। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई उस लड़के की हो गई कम फीस में। 12वीं के बाद जब 10वीं और 12वीं की पढ़ाई उसने बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली तो उसने सोचा कि क्यों ना पैसे वालों की तरह कुछ अच्छी पढ़ाई करके जीवन में पैसा कमाऊँ और अपने जीवन की और अपने परिवार की दिशा बदल दूँ। यही सोच करके उसने उसी विद्यालय के मालिक से संपर्क किया और मालिक के सुझाव पर उसने बैंक से लोन लेकर के और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अपने घर से बाहर चला गया। परिस्थितियां जब बिगड़ती है तो फिर चारों तरफ से बिगड़ती है, और बनती है तो फिर चारों तरफ से बनती है। उसके बाहर जाने के बाद घर की स्थिति पहले की तरह ही थी। न कुछ सुधार हुआ, न सुधार होने की गुंजाइश थी, क्योंकि पिता की 5,000 की आय में और क्या हो सकता था। कोई खास परिवर्तन तो नहीं, सिर्फ फर्क इतना था कि पहले परिवार में 5 सदस्य थे, अब 4 रह गए हैं, और जो बड़ा वाला लड़का था वह एजुकेशन लोन लेकर के बाहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चला गया। धीरे धीरे समय बदलता गया। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लड़के का सपना था पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग टॉप करके निकलूँगा और पूरे परिवार की दिशा और दशा बदल दूँगा। लेकिन हम सोचते क्या हैं और होता क्या है। माँ की तबीयत बिगड़ती गई, पेट का दर्द कब कैंसर में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। डायग्नोसिस हुआ तो कैंसर सामने आया। डॉक्टर ने कह दिया समय कम है, कुछ मुराद बाकी हो पूरी कर लो। माँ का एक ही सपना था कि जो बेटा है बड़ा आदमी बनते तो नहीं देख सकती, चलो उसकी शादी देख लेते। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, लड़के का आखिरी वर्ष चल रहा था इंजीनियरिंग का, उसने अपनी माँ से कहा कि ठीक है, आप उसके मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या हुआ होगा। लड़के ने हाँ भर दी, शादी हो गई, माँ की तबीयत बिगड़ती गई, लड़के की इंजीनियरिंग हो गई, बहुत अच्छी जगह पे नौकरी लग गई, अच्छा पैकेज हो गया, आर्थिक स्थिति बदलने वाली थी। क्या पता जिसके लिए रात दिन करके पढ़ाई की, जिसके सपने बुनने का समय आ गया था, जिसके अच्छे दिन आने वाले थे, सब कुछ फिर नए सिरे से बदलने वाला है। माँ की तबीयत बिगड़ती गई और लड़के की पहली पेमेंट मिलने से पहले ही माँ की कैंसर से मौत हो गई। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ को पाने के लिए लगा देते हैं और जिसके लिए लगाते हैं, ज़िंदगी में हम उस कामयाबी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जिसके लिए हमने वो कामयाबी हासिल की, वो सफलता की, अगर वही इंसान हमारे जीवन में नहीं रहे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है। तो ये छोटी सी कहानी, इस कहानी ने मुझे बहुत असर, मेरे जीवन पर बहुत असर डाला कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जब नहीं होता तो उसके लिए तड़पते हैं। हम दिन रात एक करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करें किसी के लिए, और जब वही नहीं रहे तो फिर वह उद्देश्य, वो लक्ष्य भी हमें निरर्थक मालूम पड़ता है।
उस लड़के की एक बात जो हमेशा मैंने अपने जीवन में रखी है, गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब पैदा होना कोई अपराध नहीं है, गुनाह नहीं है, उसी गरीबी में मर जाना गुनाह है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम हैं वैसे ही रह जाएं तो सही नहीं है। परिवर्तन आना हमारा अधिकार है, हम परिवर्तन ला सकते हैं, परिवर्तन ही जीवन है। यही आज की कहानी थी, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कीप कमेंटिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज़ विनीत श्रीवास्तव।